स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। अनगिनत तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे आसमान में झुगनू हों। लेकिन इस खूबसूरती के बीच कुछ रहस्यमय भी छुपा है, ऐसा कुछ जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हम उन्हें ब्लैक होल कहते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी तेज हो कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल का मतलब ही यही है, स्पेस टाइम का ऐसा हिस्सा जहां वास्तविकता का ताना बाना ही पहचान से परे हो जाता है। ये खगोलीय पिंड सिर्फ अजीबोगरीब चीजें नहीं हैं, ये विशाल सितारों के अवशेष हैं जो अपने ही भार तले ढह गए हैं, और ये एक तारे के जीवन चक्र के आखिरी अध्याय का प्रतीक है। लेकिन एक ब्लैक होल की गहराइयों में क्या होता है, ग्रेविटी, समय और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में उनके पास क्या राज छुपे हैं, आइए इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के केंद्र में उतरें। स्पेस में एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करो, लेकिन धूल मिट्टी सोखने की बजाय यह अपने पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है, ग्रह, तारे, यहां तक कि प्रकाश को भी। ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े अपने ईंधन खत्म करके ढह जाते हैं। इस ढहने से स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां ग्रेविटी अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, इतनी तेज कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। एक ट्रैम्पोलिन के बारे में सोचो, अगर आप उस पर एक छोटी गेंद रखते हैं तो ट्रैम्पोलिन थोड़ा नीचे झुक जाएगा। अब कल्पना करो कि ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल रखी गई है, इससे बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा बनेगा। ग्रेविटी भी कुछ इसी तरह काम करती है। ब्लैक होल स्पेस में उन सुपर हैवी बॉलिंग बॉल की तरह होते हैं जो स्पेस टाइम में इतना गहरा गड्ढा बनाते हैं कि उसमें गिरने वाली कोई भी चीज कभी वापस नहीं चेरच पाती। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक है। ये अलग अलग आकार में आते हैं, कुछ छोटे होते हैं जिन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है, जो एक तारे के ढहने पर बनते हैं। अन्य विशाल होते हैं जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, जो आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं और हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना भारी होते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि दूर से देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए समय सामान्य रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी समय को भी प्रभावित करती है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार एक वास्तविक घटना है। वैसे हमारे सूरज के ब्लैक होल में बदलने की चिंता न करें, यह इतना विशाल नहीं है। ये एक सफेद बौने तारे के रूप में अपना जीवन समाप्त कर देगा, जो एक कम नाटकीय लेकिन फिर भी आकर्षक ब्रह्मांडीय घटना है। भाग चार, सब कुछ निगल जाने वाली भूख ग्रेविटी की अंतिम जीत। ब्लैक होल को अक्सर ब्रह्मांडीय राक्षसों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निरंतर निगलते रहते हैं। हालांकि यह छवि आंशिक रूप से सच है, लेकिन पूरी कहानी यह नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है जितना उस वस्तु का था जिससे वह बना था। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन भी जाता है, जो कि होगा नहीं, तो पृथ्वी हमेशा की तरह उसकी परिक्रमा करती रहेगी, हालांकि हमेशा के लिए अंधेरे में। अंतर बस इतना है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण एक अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में केंद्रित होता है, जिससे एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण कुआं बनता है जिससे बचना नामुमकिन है। एक भंवर की कल्पना करो, दूर की वस्तुएं बिना किसी नुकसान के बह सकती हैं, लेकिन घूमते हुए बहाव में फंसने वाली कोई भी चीज बीच की ओर खींच जाती है। ब्लैक होल एक समान सिद्धांत पर काम करते हैं, पदार्थ और यहां तक कि प्रकाश को भी अपनी गहराइयों में खींचते हैं। भाग पांच, रसातल से गूंज ब्लैक होल को समझने की खोज। अपनी गूढ़ प्रकृति के बावजूद हम ब्लैक होल के बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं हैं। वैज्ञानिक आसपास के पदार्थों पर उनके प्रभावों को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। जैसे ही गैस और धूल ब्लैक होल में गिरते हैं, वे गर्म हो जाते हैं और एक्सरे का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ब्लैक होल के घटना क्षितिज के चारों ओर एक चमकता हुआ प्रभामंडल बन जाता है, जहां से वापसी संभव नहीं है। दूरबीनों के एक वैश्विक नेटवर्क इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 1919 में पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची, जिससे हमें इन खगोलीय दानवों के सीधे दृश्य प्रमाण मिले। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने ब्लैक होल के रहस्यों का अध्ययन करने और उन्हें उजागर करने के नए रास्ते खोले। ब्लैक होल के पास पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन करके
हम गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के बुनियादी नियमों की अपनी समझ का परीक्षण कर सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। भाग 6, अज्ञात की एक खिड़की, ब्लैक होल और वास्तविकता की प्रकृति। ब्लैक होल केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा की वस्तु नहीं है, वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी दार्शनिक समझ को भी चुनौती देते हैं। उस जानकारी का क्या होता है जो ब्लैक होल में समा जाती है? क्या यह हमेशा के लिए गायब हो जाती है, भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती है, या यह किसी तरह ब्लैक होल के भीतर सुरक्षित है, शायद किसी ऐसे तरीके से एनकोडेड है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? ये प्रश्न सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे आगे हैं, जो वैज्ञानिकों को सूचना की प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण और वास्तविकता के ताने बाने से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों या आयामों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। ऐसी अवधारणाएं जो साइंस फिक्शन की तरह लगती हैं, लेकिन भौतिक विदों द्वारा गंभीरता से विचार की जा रही हैं। ब्लैक होल के अध्ययन में ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। वे हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का सामना करने और उस विशाल अज्ञात को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं, जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। भाग 7, निष्कर्ष। ब्रह्मांडीय अज्ञात का अंतहीन आकर्षण। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल गणितीय जिज्ञासा माना जाता था, ब्रह्मांड की सबसे मनोरम वस्तुओं के रूप में उभरे हैं। वे प्रकृति की विशाल शक्ति, वैज्ञानिक खोज की सुंदरता और हमारे ब्रह्मांड को घेरे हुए स्थायी रहस्य की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल निस्संदेह हमारे वैज्ञानिक प्रयासों में सबसे आगे रहेंगे। वे गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों, सूचना की प्रकृति और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को उजागर करने की कुंजी है। हम ब्लैक होल के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने की खोज अज्ञात के केंद्र की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आने वाली पीढ़ियों को मोहित और चुनौती देने का वादा करती है।